फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे मनी प्लांट्स को वाटर में ग्रो किया है। वाटर में ग्रो करने के बाद में उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हमारा ये वीडियो है। इस मनी प्लांट को मैंने वाटर में ग्रो किया है एक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल के साथ। ये अनदर मनी प्लांट जिसको मैंने वाटर में ग्रो किया है। इस मनी प्लांट को भी मैंने वाटर में ग्रो किया है बट सिरेमिक पॉट में। ये मनी प्लांट की अनदर वेराइटी है, इसको भी मैंने वाटर में ग्रो किया है। टिप नंबर वन, जब भी आप मनी प्लांट को वाटर में ग्रो करना है तो उसके लिए जो कंटेनर लगेगा वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। वो ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। मनी प्लांट को वाटर में ग्रो करने के लिए आप वेस्ट प्लास्टिक बॉटल भी यूज कर सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो। प्लास्टिक बॉटल को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कट कर लीजिए और उसका जो बॉटम पोर्शन है उसी में प्लांट को ग्रो कीजिए तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। मैंने बहुत सारे मनी प्लांट को ऐसे ही प्लास्टिक बॉटल में ग्रो किया है करके मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट कंटेनर पसंद नहीं है या यूज नहीं करना है तो आप सिरेमिक के पॉट्स भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये वाला जो मनी प्लांट है ये कम्प्लीटली मैंने वाटर में ग्रो किया है एक सिरेमिक पॉट के अंदर। देख सकते हो आप, इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिला है। सिरेमिक पॉट में अगर आप मनी प्लांट ग्रो करते हो वाटर में तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो वाटर चेंजेस है वो रेगुलरली आपको करना है, अदरवाइज आपके जो प्लांट के रूट्स है वो डैमेज होके आपका जो प्लांट है वो डेड भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट पॉट्स में आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा, आपको जस्ट वाटर टॉपअप करते रहना है और आपका प्लांट हेल्दी ही रहेगा। टिप नंबर टू, वाटर चेंजेस। ये प्लांट तो दिखने में अच्छा दिख रहा है लेकिन इसका बेस मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो पत्ते वो ब्राउन हो चुके हैं, उसी के साथ में इसके जो वाटर है उसके ऊपर में कुछ लेयर जैसा दिख रहा है हमें। इसके जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, यानी ये इंडिकेट करता है कि समथिंग रॉन्ग इज देयर। इससे हमें पता चलता है कि अभी कंप्लीट वाटर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए वाटर चेंजेस करते हैं इसका। फ्रेंड, सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोज। पॉट में का पूरा पानी निकाल लीजिए, उसी के बाद में हम फ्रेश वाटर उसमें ऐड करेंगे। फ्रेश वाटर ऐड होने की वजह से हमारा जो प्लांट है वो अच्छा ही रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इसका कंप्लीट वाटर चेंजेस नहीं करोगे तो थोड़े दिनों में इसके जो पत्ते वो येलोइश होके आपका जो प्लांट है वो डेड भी हो सकता है। ये वाला भी मनी प्लांट मैंने वाटर में ग्रो किया है प्लास्टिक बॉटल में जो कि ट्रांसपेरेंट है। प्लांट तो दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं आपको रूट्स दिखाता हूँ इसके। रूट्स भी अच्छे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम साइड में जब इसे करेंगे तो हमें दिख रहा है कि पूरा ग्रीनिश हो चुका है, यानी पूरा अलगी लग चुका है। अलगी जो है वो प्लांट्स के रूट्स के लिए अच्छा नहीं है, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसके जो कुछ पत्ते वो येलोइश कुछ ब्राउनिश हो रहे हैं। ये वाला प्रॉब्लम तभी आ सकता है जब आपने ये वाले प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखा हो। तो अगर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया तो ये प्लांट जो है वो डेड हो सकता है। इसके जो पत्ते दिन ब दिन येलोइश होते जाएंगे, ब्राउनिश होते जाएंगे और एक दिन आएगा कि ये प्लांट डेड भी हो सकता है। बाहर से देखते वक्त आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट प्रॉब्लम जो है वो अंदर है, बेस में है, रूट्स में है। इसका पहला सोल्यूशन ये है कि इसका जो पॉट है वही चेंज कर दीजिए। पॉट चेंज करने के साथ साथ इसका कंप्लीट वाटर चेंजेस भी कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉट कितना गंदा हो चुका है, पूरा अलगी ने उसको कवर कर लिया है आउटर साइड से, तो इसको हम क्लीन करेंगे ब्रश की हेल्प से। पॉट क्लीन करने के बाद में ऐसा दिख रहा है। पॉट क्लीन करने के बाद में आप डायरेक्टली उसमें फिर से वो प्लांट को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अलगी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और ध्यान में रखिए कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मनी प्लांट है और उसके जो पत्ते हैं वो ब्राउनिश हो रहे हैं या येलोइश हो रहे हैं तो उसका एक रीज़न यही हो सकता है कि आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा होगा। मनी प्लांट जो है एक मॉइस्चर लविंग वाटर लविंग प्लांट है, उसके वजह से इसको ऐसे प्लेस पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आता हो। ये वाले प्लांट को मैंने विंडो में रखा था जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता था, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर आपको आपके घर में मनी प्लांट को कहीं पे रखना है तो ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आता हो, उसी के साथ में मॉइस्चर हो।
अगर आपके घर में भी ऐसे ही मनी प्लांट है जो कि अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, जो कि अनहेल्दी है, तो उसको हेल्दी कैसे बनाना है ये देखिए। ये वाला जो मनी प्लांट है इसको आप कट कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके सिर्फ स्टेम्स कट कीजिए, रूट्स नहीं। इसको कट करके हमने सेम प्लास्टिक बॉटल में डाल दिया है, जिसके वजह से प्लांट हेल्दी भी रहेगा और आपको दिखने में बुशी भी दिखेगा। कुछ दिनों बाद ये प्लांट दिखने में ऐसा ही बुशी दिखेगा। ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।